सब्सक्राइब कीजिए मुदस्सर रहमान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं मुदस्सर रहमान यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो भाई आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त एक टूल लेके आया हूँ YouTube की वीडियोस को ग्रो करने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपनी वीडियोस के व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ उसके और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं, ओपन करते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ हम चलते हैं ऐप्स में, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वो कौन सा ऐसा टूल है, कौन सा ऐप है। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं उसे, ये देखें ट्यूब बड़ी फॉर यूट्यूब, तो ये वाला वो ऐप है जो आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने ब्राउज़र में इस तरीके से जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है इधर। तो अभी हम यूट्यूब को ओपन करेंगे इस तरह, ये देखें रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और साइन इन विद यूट्यूब, तो जो भी आपका यूट्यूब चैनल है उसे ओपन कर लेना है, इसमें आपने साइन इन कर लेना है जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक बार फिर बता देना है इसे, तो और यहाँ पर इसे अलाउ कर देना है, परमिशन दे देनी है। तो ये एकदम सेफ ऐप है जिसकी मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो, ये आपको काफ़ी हेल्प देगा। तो मैं दिखाता हूँ इसके आपको फंक्शंस क्या हैं। तो ये आप इसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप को हर ब्राउज़र में मिलता है, ये ओपेरा में, फायरफॉक्स में भी। और यहाँ पर चलते हैं, मैं इसे आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये ऐप मैंने अपने फायरफॉक्स में भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये मेरा सेकेंड चैनल है, गेमिंग चैनल, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैंने साइन इन किया हुआ है। तो ये ऐप करता क्या है, तो मैं ये देखें, यहाँ पर हम अपने चैनल की कोई भी वीडियो को ओपन कर लेते हैं या जब आप अपलोड करते हैं तो उस टाइम आपको ये हेल्प देता है कि आपको कौन कौन से जो हैं टैग्स वगैरह रखनी चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरह की आपको काफ़ी हेल्प देता है ये। तो यहाँ पर चलते हैं, ये देख दिखाता हूँ मैं आपको, ये है मैंने मेरी कोई वीडियो है एक, ये देखें। तो सबसे पहले क्या है कि ये देखें, हमें यहाँ पर ये टैग शो कर रहा है, टैग टूल, इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम सजेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आप टैग्स के लिए आपको सजेशन दे रहा है। तो ये देखिए, जो मैंने टैग इस्तेमाल किए हैं उनसे मेरे को ये कितने व्यूज़ मिले हैं, वो सारी डिटेल मेरे को बता रहा है इधर। और इसे करते हैं क्लोज और यहाँ पर आगे आ जाते हैं एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में क्या होता है कि यहाँ पर आप कोई भी वर्ड टाइप कर दें, जैसे कि मैं कर देता हूँ अपनी वीडियो के रिलेटेड एट पाल, तो ये देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टैग्स हैं, जैसे कि मिनी क्लिप एट बाल पूल और एट बाल पूल हैक। तो यहाँ पर उनकी वो भी बता रहा है कि रैंकिंग क्या है, 42, 36, 26। तो और ये देखें सर्च वॉल्यूम कितना है, हाई है, कंपटीशन, ये सारी डिटेल बता रहा है हमें। और यहाँ पर आगे हम अगर ट्रेंडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हमें ये बताएगा, ये देखें रफ़ीफ एट बाल पूल, इस तरह के हमें रखने चाहिए टैग। और यहाँ पर ऑटो सजेस्टेड है तो ये खुद से देगा, गूगल के लिए आपको ये यूज़ करने चाहिए, अगर यूट्यूब के लिए करने हैं तो ये वाले टैग यूज़ करने चाहिए अपनी वीडियो में। तो इस तरह आप ये टैग्स वगैरह का भी कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ये ट्रांसलेट है, आपका कोई भी टैग है जो आपने अपनी लैंग्वेज में या किसी की भी लैंग्वेज में करना है, तो यहाँ से हम जैसे कि यहाँ पर है अरबिक, और ये देखें ये उसमें ये वाला टैग उसने कॉपी कर दिया है अरबी ज़ुबान में, तो यहाँ से कॉपी करके हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और इसे क्लोज़ करते हैं। और उसके अलावा
यहाँ पर है, ये देखें आप, क्रिएट थंबनेल। यहाँ पर क्लिक करते हुए अपना खुद का थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे स्टिल फ्रेम फ्रॉम वीडियो, तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो में से आप कोई भी जगह से सिलेक्ट करके वो वाले पिक्चर को अपनी वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं। तो YouTube भी हमें ये फीचर देता है, लेकिन वो हमें सिर्फ 3 पिक्चर्स देता है पूरी वीडियो में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर हमने कोई भी, ये देखें जिस तरह ये मैंने सीन ले लिया इसका वीडियो का, और यहाँ से मैं आगे पीछे इसे एडजस्ट वगैरह कर सकता हूँ। वो एडजस्ट करने के बाद अब मैं सिंपल कंटिन्यू पर जब क्लिक करूँगा इस तरह, तो ये देखें वो इसने ले लिया है, पिक कर लिया पिक्चर। और यहाँ पर ये कह रहा कोई टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें, कोई इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, शेप, इमोजी, टेम्पलेट, तो कुछ भी यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं वीडियो में। जैसे कि ये मैं लिख देता हूँ मुदस्सिर, और यहाँ से कलर वगैरह इसका चेंज कर देते हैं कोई भी, और इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं यहाँ से इस तरह, और ऐड। तो ये देखें ये मुदस्सिर आ गया, इसे कहाँ भी कहीं पर भी सेट कर लें, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसे कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें दिखा देगा कि हमारा जो थंबनेल जो हमने डिज़ाइन किया है वो इस तरह का शो होगा, ये देखें इस तरह का। फेसबुक पर क्लिक करेंगे तो उस पर दिखा देगा किस तरह शो करेगा। इस तरह आप इसका थंबनेल जनरेटर, आप ऑनलाइन ही थंबनेल इसका वीडियो का बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड पब्लिश, तो वो वीडियो का थंबनेल लग जाएगा। तो मैं अभी नहीं लगाऊंगा इसका, इसलिए मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमें फीचर देता है, यहाँ पर ये अपलोड डिफ़ॉल्ट, तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो अपलोड डिफ़ॉल्ट चैनल में सेटिंग की हुई है वो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह टाइटल वगैरह ऐड हो जाएंगे हमारी वीडियो में। तो एक वो ये भी इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी वीडियो है उसे कर लेते हैं ओपन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने जैसे ही वीडियो ओपन की तो साथ में ही ये आ गया। ये देखें साइड में शो कर रहा है टोटल व्यूज़ की कितने हैं वीडियो के, और कमेंट्स वगैरह, लाइक, डिसलाइक, और सोशल मीडिया पर शेयरिंग वगैरह कितनी है इसकी, और चैनल के टोटल व्यूज़ कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, और वीडियोस कितनी हैं चैनल पर, ये सारी डिटेल हमें बता रहा है। और यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर ये दे रहा है, हमें बता रहा है कि लाइक ऑन फेसबुक, ये सारी डिटेल हमें दे रहा है। उसके नीचे आ जाते हैं तो वीडियो में जो भी टैग यूज़ किए हुए हैं यहाँ से आप वो देख सकते हैं, और इसे इस तरह कॉपी करके अपनी वीडियो में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो इस वीडियो के रिलेटेड है। वैसे ये फंक्शन नहीं है, आप टैग वगैरह नहीं देख सकते इस टूल को, इस ऐप को इस यूज़ करते हुए आप टैग वगैरह भी वीडियो के देख सकते हैं, आपको ये सारी डिटेल देगा। और अभी यहाँ पर हम टूल में जाते हैं तो यहाँ पर हमें बता देगा कि सर्च रैंकिंग क्या है, उसकी सारी डिटेल यहाँ से हमें मिल जाएगी। और ये देखें एम्बेड कोड, इस वीडियो को आपने यूज़ करना है अपने किसी भी ब्लॉग वगैरह में, वेबसाइट में, तो यहाँ से आप कॉपी करें, इसे कॉपी करके अपने ब्लॉग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपने साइज़ अपनी मर्ज़ी का लगाना है, कस्टम भी लगा सकते हैं, और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लें, और इसमें कोई छोर ऐड करना है जैसे कि ऑटो प्ले वीडियो, तो उस जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाली कोडिंग ऑटोमेटिकली इस कोड में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आप सारे फीचर जो भी आपको चाहिए वो सिंपल आप इस तरह क्लिक करें और वो कोडिंग में ऐड होगा, फिर आप कॉपी करके अपने वेबसाइट पे एम्बेड कोड को कॉपी पेस्ट कर दें और वीडियो को यूज़ कर लें। और यहाँ पर ऐसे कर देते हैं हम क्लोज। एक ये भी इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर है। और उसके अलावा तो यहाँ पर टूल्स में हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं सर्च रैंकिंग क्या है। सर्च रैंकिंग पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें दे देगा जो टैग्स इसने यूज़ किए हैं, और यहाँ पर ये ऑप्शन है ट्यूब बड़ी चेक, यहाँ पर क्लिक करते हैं। आर यू मिसिंग आउट ऑन रेवेन्यू बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन वीडियो दैट यू डोंट नो अबाउट, लेट ट्यूब बड़ी फाइंड देम फॉर यू। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हुए यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी वीडियोस की अर्निंग पर कि आप अपनी वीडियोस से किस कितनी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये अभी स्कैनिंग तो ये अभी स्कैनिंग कर रहा है।
तो यहाँ पर जिस तरह जैसे कि हम यहाँ पर ये बता रहा है कार्ड्स वगैरह यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, अप्लाई टेम्पलेट उनके मतलब टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, एंड स्क्रीन कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद किसी और वीडियो में ऐड करना चाहते हैं वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से पब्लिश टू फेसबुक डायरेक्ट फेसबुक पर यहाँ पर क्लिक करते हुए आपको ये ऑप्शन देगा, आप यहां से कर सकते हैं शेयर डायरेक्ट फेसबुक पर। लेकिन सबसे पहले आपको अपना फेसबुक का जो अकाउंट है वो आपको इसके साथ कनेक्ट करवाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट शेयरिंग कर सकते हैं अपनी वीडियो को फेसबुक पर, और ओके कर दें। उसके बाद यहां पर आगे ऑप्शन आता है शेयर ट्रैकर, प्रोमोट सोशल मॉनिटर, विड टू विड प्रमोशन। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो विच प्रमोशन मेथड वुड यू लाइक टू यूज़, डिस्क्रिप्शन प्रमोशन करना है आपने या फिर बाकी ऑप्शन अभी इसने नहीं शो कर रहा, तो आप किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन किसी भी वीडियो में इस फीचर को यूज़ करते हुए वो मतलब पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, किसी और वीडियो में डाल सकते हैं। तो फ्री वर्जन में इतना ही मिलता है, जो पेड वर्जन है उसमें आप वीडियोस वगैरह की भी मतलब प्रमोशन कर सकते हैं, एक वीडियो में दूसरी को या एक वीडियो को सारी वीडियोस में प्रमोट कर सकते हैं। तो पेड वर्जन में जो पेड वर्जन होता है उसमें आपको ये सारे ज़बरदस्त फीचर मिलते हैं, तो इसे कर देते हैं कैंसल। और उसके बाद यहाँ पर आता है ऑप्शन ये देखें शेड्यूल, पब्लिश का शेड्यूल, सनसेट वीडियो, थंबनेल जनरेटर, बैड पिक का विनर। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अगर चैनल पर कोई भी गिव अवे कर रहे हैं तो उसको मतलब उस वीडियो पर जितने भी कमेंट्स होंगे उसमें से कोई एक बंदा ये सिलेक्ट करके आपको बता देगा कि ये आपकी वीडियो का विनर है, आपके गिव अवे का विनर ये बंदा बनता है। तो इस तरह आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो ये था आज का एप्लीकेशन, एक टूल जिसकी मदद से आप अपने यूट्यूब के चैनल को वो ग्रो कर सकते हैं, अपनी वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी मदद देता है। आपको डिस्क्रिप्शन किस तरह की रखनी चाहिए, आपके ये वीडियोस की SEO करने में मतलब टैग वगैरह किस तरह के रखने चाहिए, वो काफ़ी आपको इस मदद देता है जिससे आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज का ये जो एप्लीकेशन टूल है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।